हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडी ट्रीट। और आज की रेसिपी होने वाली है सॉफ्ट वनीला कपकेक, और इसमें मैंने एक छोटा सा ट्विस्ट भी डाला है, जिसके लिए मैंने ब्लैक ग्रेप कॉम्पोट यूज़ किया है। आप यहाँ पे फ्रेश ग्रेप्स भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कितना स्पॉन्जी है। सो लेट्स मेक इट। फॉर कॉटन स्पॉन्ज कपकेक वी नीड 3 एग योक्स, एंड यहाँ आप आधा शुगर यूज़ करो क्योंकि हमें आधे वाइट्स के लिए भी रखने हैं। एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ी सी वनीला। यहाँ आप इसे 4 to 5 मिनट्स के लिए विस्क करो क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पे कॉटन स्पॉन्ज कपकेक बना रहे हैं जिसके लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ कुछ ऑयल, हमें यहाँ ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना क्योंकि वो बहुत ग्रीजी हो जाता है, तो इतना काफ़ी है। नाउ ऐड मिल्क। एक बार में अगर हो तो थोड़ा कम ही यूज़ करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा रनी लिक्विडी बैटर नहीं चाहिए होता। अभी यहाँ हमें मैदा चाहिए, इसे भी ज़्यादा यूज़ ना करें और एक बार में सारा मिक्स ना करें, बैचेस में मिक्स करना है। इस कॉटन कपकेक में हमें ज़्यादा मैदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैदा यूज़ करोगे तो वो आपके कपकेक को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देगा। अभी हमने बैचेस में पूरा मैदा मिक्स कर दिया है। अगर आपके बैटर थोड़ा थिक लगे तो आप उसमें थोड़ा सा और लिक्विड डाल सकते हो जिससे कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो बैटर सही कंसिस्टेंसी में है। अब हमें एग वाइट्स को विस्क करना है। इसमें थोड़ी सी लेमन जूस एंड विस्क। यस, यहाँ पे 10 से 15 मिनट कंप्लीटली लगेंगे आपको इसे विस्क करने में। अब यहाँ पर बची हुई जो हमारी पाउडर शुगर थी उसे यूज़ करना है। एक साथ पूरा ना डालें, 2 से 3 टेबलस्पून एक बार में। और अगर आप ये मेथड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ मैंने उस कपकेक में मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं किया है और वो भी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनी थी। आप वो वीडियो चेकअप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास है इलेक्ट्रिक बीटर तो आप उसके साथ जाओ और ये बहुत ही अच्छा बनता है। अभी मुझे इसे बीट करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मेरी वाइट्स काफ़ी थिक हो चुकी है, जैसी मुझे चाहिए थी। स्टिफ पीक्स नहीं, सॉफ्ट पीक्स। और अभी इसे बैचेस में मिला देना है। मेक श्योर कि आप इसे बहुत ज़्यादा विस्क ना करें क्योंकि इससे जितने भी हमने एयर्स वाइट्स में डाले थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर से हमारी कपकेक हार्ड हो जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। इस कपकेक की रेसिपी बहुत ज़्यादा सिमिलर है कॉटन स्पॉन्ज केक से, जिसमें वाइट्स यूज़ किए जाते हैं ऐसे विस्क करके। एंड आई रियली लव दिस मेथड, और मैं जब भी केक्स या कपकेक्स बनाती हूँ आई गो विद दैट। सो फाइनली हमारा कपकेक बैटर रेडी हो चुका है। और ये है मेरी ब्लैक ग्रेप कॉम्पोट जो मैंने पहले बनाया था। आप इसकी भी रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यहाँ मैंने कपकेक्स के लिए मफिन मोल्ड यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कोई भी कटोरी या कोई कॉफ़ी कप भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चलेगा। यहाँ मैंने हाफ बैटर फिल किया, फिर ग्रेप कॉम्पोट डाला और फिर से मैं इसे फिल करूँगी
सो नाउ हमारे कपकेक रेडी हैं बेक होने के लिए। यहाँ मैंने एक वेसल में सैंड लिया है और उसके ऊपर एक वायर्ड रैक या फिर आप कुछ भी रख सकते हो, उसके ऊपर एक प्लेट एंड देन अपने कपकेक्स को उस पर प्लेस कर दो और 25 टू 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक होने दो। आफ्टर 30 मिनट्स आप उसे टूथपिक से चेक कर सकते हो, अगर वो क्लीन निकला देन इट्स रेडी और फिर आप बाहर निकाल करके उसे छोड़ दो ठंडा होने के लिए एंड देन रख दो। योर ब्लैक ग्रेप वनीला कपकेक इज़ रेडी।